नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप जो खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं ये एक टेरेस गार्डन की है और इसके छत के ऊपर एक और टेरेस गार्डन है जो कि बेसिकली किचन गार्डन है। और ये किचन गार्डन तैयार हुआ है बिहार सरकार के कृषि विभाग की मदद से। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे लोग जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और ऐसे ही आज आपको शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और इस योजना का लाभ उठाते हुए उन्हें 25,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है और उन्होंने अपना किचन गार्डन जो है वो सेटअप तैयार किया है। देख सकते हैं कि जो भी एक केनोपी है वो सरकार की सब्सिडी द्वारा दी जाती है और वेंडर, यहाँ तक कि सरकार जो है वो वेंडर प्रोवाइड करती है इस किचन गार्डन को तैयार करने के लिए। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? नाम हुआ राकेश रमन श्रीवास्तव। कितने साल पहले ये किचन गार्डन सेटअप हुआ? ये बस 3 महीने का है, 3-3.5 महीने। क्या क्या है आपके किचन गार्डन में? किचन गार्डन में है देवांशु जी, यहाँ पर तो लाल साग लगा था, हम लोगों ने लाल साग खाया, 4 बार हम लोग लाल साग तोड़े खाए, लेकिन अब उसका ग्रोथ चूँकि नहीं हो रहा था, पत्तियाँ नहीं निकल रही थी, तो हमने उसे उखाड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर कद्दू है, भिंडी है, बैंगन है और करेला है, नेनुआ है, किसी एक में खीरा भी है शायद, ठीक है ना। ये 3 जो बेड हैं इनमें तो यही है। कद्दू तो अभी तक हुआ नहीं है, एक आध कद्दू है छोटे छोटे वहाँ देखने को मिले हैं और नेनुआ तो आप देख रहे हैं कि अभी तक एक भी नहीं हुआ, करेला भी एक भी नहीं हुआ है और बैगन भी अभी ना के बराबर ही ना ही है बैगन। तो हम भी वेट कर रहे हैं, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर का है नहीं, बट मैं वेट कर रहा हूँ। जो अगल बगल आस पास पड़ोस से जो गांव वाले लोग आते हैं उसे दिखाता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं बैगन बहुत अच्छा और बैगन होगा। 3 महीने पहले इनका किचन गार्डन सेट हुआ था और 3 महीने आज हो चुके हैं लगभग, और बैगन अभी हुआ नहीं है और नेनुआ जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि होगा, क्योंकि होगा। लेकिन किस तरीके से आप इस योजना से जुड़े और किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से ये सेटअप हुआ वो विस्तार से बता दीजिए लोगों को। विस्तार से बताते हैं, मेरे पड़ोसी थे यहाँ पर एक पंकटेश जी, उनकी पत्नी और मेरी पत्नी में अच्छी गाढ़ी मित्रता है, उन्होंने व्हाट्सएप पर एक भेजा था इसी का फोटो पूरा जिसमें 10-20 कद्दू ऐसे लटके हुए थे, मैं बड़ा आकर्षित हुआ था। उन्होंने बताया, उसके बाद फिर वेंकटेश जी से हम संपर्क किए, उसके बाद तुरंत करके और हमारे यहाँ ये सब स्कीम आ गई। और वृक्षों से फूल पौधों से मैं पहले से ही शौकीन रहा हूँ। आप नीचे के छत पर देखेंगे मेरा जो गार्डन है वो कम्प्लीटली मेरा अपना डेवलप किया हुआ है, मेरा और मेरी पत्नी का है, सहयोग है उसमें। तो उसी के दौरान ये सब हमने किया है। ये जो बैग इन्होंने दिए हैं, ये 10 जो बड़े बड़े बैग हैं, इसके पौधे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। डेफिनेटली 2-3 महीने में इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी हम नहीं कर सकते हैं, पौधे जिंदा हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि पौधे ही अच्छे हैं। फूल भी जो लगाए हैं उसमें 1 फूल ये सूखा है बट बाकी सब ठीक ही है। अभी 3 महीने हुए हैं, किचन गार्डनिंग को थोड़ा और वक्त देते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल मिला कहें कि आप किचन गार्डनिंग अभी स्टार्टर हैं और सीख रहे हैं फर्स्ट क्लास नेचुरली, तो मैं अभी सीख रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्यान निदेशालय की एक योजना है जिसके अंतर्गत 25,000 रुपये जो हैं वो आपको देने पड़ते हैं और 25,000 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और उस सरकार ही डिसाइड करती है, वेंडर प्रोवाइड करती है और वो वेंडर जो हैं वो आपके छत पर आकर पूरा सेटअप जो है वो लगा देते हैं। और ये वही सेटअप है, कैनोपी है वेंडर के द्वारा और बीज भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको रोज पौधे को पानी नहीं देनी होती है, इसी पाइप के जरिए बूंद बूंद करके पानी जो है वो हर पौधे को मिलता है। डीप इरिगेशन का फायदा यह है कि आपको रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर से कहीं बाहर या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने के लिए भी बाहर जा रहे हो तो पौधे को पानी मिलता रहता है, पौधे जो हैं वो आपके सूखते नहीं हैं, ये फायदा होता है डीप इरिगेशन का। हम लगातार आपको गार्डनिंग से वीडियो जुड़े हुए बनाते रहते हैं और आज भी इनके किचन गार्डन में आया था। अभी 3 महीने का सेटअप है, नया है। आपने कहा कि बैगन 3 महीने हुए हैं लगाए हुए, हुआ नहीं है लेकिन एक बैगन मुझे दिख गया है, एकाध है बैगन। ये देखिए एक बैगन होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, जो हरियाली दिख रही है एक छोटा सा देवांशु, वहाँ देखिए कद्दू भी है। हाँ। ये उन्हीं वेंडर का लगाया हुआ है। जब हमने लाल साग उखाड़ा वहाँ पर हमने बाहर से कद्दू 3 लगा दिए थे, पता नहीं होगा कि नहीं, लग रहा है सूख जाएगा। हाँ। जो भी हो ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरी ओर से भी, बिल्कुल इसमें हमने अपना खेत तैयार कर लिया है, ठीक है बात। हाँ, मिट्टी वो खुद तैयार करते हैं वेंडर के द्वारा?
नहीं नहीं, ये एवरीथिंग सब कुछ जो आप देख रहे हैं सब वेंडर का है, सब कुछ वेंडर के द्वारा। अच्छा, मिट्टी के कंपोजिशन वो लोग कैसे रखते हैं, क्योंकि वो लोग तो सरकारी आदमी हैं, बेहतर जानते हैं। 50-50 कोकोपीट, 50 जैविक खाद। जैविक खाद यानी कि सॉइललेस है ये सब? सॉइललेस है, बिल्कुल बिल्कुल सॉइललेस है ये कोकोपीट है, और जैविक खाद दिया हुआ है यानी कि बर्नी कंपोस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा वेंडर ने कोई और टिप्स भी दिए थे आपको समय समय पर कुछ डालने के लिए? दिया नहीं है, एक थोड़ा सा एक खल्ली दे दिए हैं 1 किलो का, तो उसको 15 दिन पर मैं डाल देता हूँ। ये किस चीज का पौधा है? अंजीर का पेड़ है ये। अंजीर, चलिए। अच्छा, बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका। हाँ, अंजीर का। इसी में थोड़ा सा निराशा हो जाती है ना, जब कद्दू अगर नेनुआ देखते हैं, बाकी सब ठीक ठाक। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा। देखिए एक नेनुआ भी मुझे दिख रहा है, बड़ा वाला। आप कह रहे हैं कि होता नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये देखिए, ये क्या? तोड़ लीजिए, नहीं तो उसमें बिया हो जाएगा। नहीं, खुदा ने दीजिए। देखिए, 3 महीना हुआ है, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जो कंपोजिशन रखा है बहुत ही बढ़िया है। बर्नी कंपोस्ट है 50% और 50% कोकोपीट होगा। वक्त थोड़ा दीजिए अपने पौधे को, और पौधे जो हैं वो आपके बिल्कुल हरे भरे हैं। चलिए, अब हम इनके नीचे वाले गार्डन, जो इनका खुद का सेटअप है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे चलेंगे। क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को जो गार्डनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि उन्हें तो आता नहीं, नहीं है। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, देवांशु जी, सीरियस गार्डनिंग अवश्य करें। जिस तरह से पेड़ पौधे काटे गए हैं सड़क पर, और जिस तरह से अभी ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई है, या और भी जितनी समस्याएं आई हैं, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये करने के पहले जो मुझसे गलती हो गई, वह मैं चाहूँगा कि लोग वह गलती ना दोहराएं। हाँ, क्या हुई सर? गलती मुझसे ही हुई, मैं समझ नहीं पाया उस बात को। छत पर एक बार ये एंटी डैम का एक कोट जरूर करा लिया, जैसे कि इस छत पर मैंने कराया हुआ है फिक्सिट का। डॉक्टर फिक्सिट नीचे जरा भी डैम नहीं मारता है। इसमें आइए, यहाँ देखिए, यहाँ डैम मारने लगा। अच्छा, ये डैम मारने लगा। हाँ, आइए, यहाँ आइए। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा डैम है ना। हाँ, तो अगर वह कराया हुआ होता, हाँ, तो ये डैम की स्थिति नहीं आती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप गार्डन सेटअप करना चाहते हैं तो वाटरप्रूफ करवा लें। करा ले। अच्छा, कैसे करवाएं, कहां से करवाएं, ये तो बता दीजिए। बहुत सिंपल चीज है ना, डॉक्टर फिक्सिट का एंटी ये आता है, मैंने तो कराया था इसका, 3,000-4,000 रुपए में आता है। और किसी भी पेंटर को बुला के, जो कि ये सब करते हैं, पछड़ा वगैरह सब काम जो करते हैं, किसी भी को बुलाइए, बुला के वो कर देगा। सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। ऐसे वेट वॉशिंग होती है ना, पेंट वगैरह होता है ना दीवार में, बस लेके ऐसे छत पकड़ देगा, बस काम। आपको कितना लागत आया था? मेरा तो ये दीवार पहले बहुत खराब हो चुका था, वहाँ से तो 4,000-4,500 रुपए, 1,000 रुपए लेबर का लगा, बस 5,000 में हो गया। हाँ, पूरा छत में तैयार है। देखिए, इनकी छत इतनी बड़ी है ये वाली, और इनको बता रहे हैं कि करीब 4,000-4,500 में वाटर प्रूफ हो गया है। डॉक्टर फिक्सिट के जरिए इन्होंने वाटर प्रूफ कराया, ताकि डैम जो है वो छत पर ना आया, यानी कि पानी रिसे ना। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर कमेंट के जरिए हमारे यूट्यूब चैनल में लोग पूछते भी रहते हैं, आखिर सीलन और डैम अगर हम करते हैं तो इसको रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले आप वाटर प्रूफ करवा लिए, और आजकल बहुत ही आसान तरीकों से ये होता है। और ये क्या है सर? कौन सा ये लगता है? फाउंटेन आपने बनाया? नहीं, ये हमने एक बनवाया, मुझे एक शौक था कि बर्ड बाथ का, पक्षियों को अपने यहाँ आमंत्रित करूँ, वे बात करें। और ये जो आप देख रहे हैं 3 कटोरे हैं, ये 3 कटोरों में मैं दाना देता हूँ। अभी जो कि बरसात का मौसम है, एक बार पोस के जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका गार्डनिंग का? जबरदस्त। इसके बाद फिर दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं, जहाँ आपका दिल दिमाग कहीं भाग कर जाए। मैं शाम में यहाँ और सुबह में यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ। देखिए, हमारी सारी किताबें हैं वहाँ, पुस्तकें वहाँ सब रखी हुई हैं, और यहीं अध्ययन करता हूँ, यहीं लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पढ़ता हूँ, यहाँ सब कुछ करते हैं। अभी लैपटॉप पर नीचे चले गए, लैपटॉप पर बस बैठ के लिखते रहते हैं कुछ कहानी किताबें, दिस दैट। बहुत सुखद काम है, इससे सुखद फिर कुछ और बचता नहीं है, लग गया है। चलिए, हमने आपको ये, ठीक है, किचन गार्डन दिखाया, खूबसूरत था, सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, हो गया। हम ऐसे ही वीडियो लगातार बना रहे हो गया हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद और दिखाने का मकसद बस इतना था, इनके टेरेस गार्डन को दिखाने का, कि सरकार की योजना है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं चाहे तो।